राम राम, जय हिंद। तो यार, अगर तुम्हारा एक एग्ज़ाम नहीं निकला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है? ये बात हम खास कर उनके लिए कह रहे हैं जो हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर इंटर के बाद तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और उनका एक एग्ज़ाम नहीं निकलता तो वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट करने लगते हैं, मतलब तरह तरह की चीज़ें चालू कर देते हैं। तो यकीन मानो, एक पेपर अगर नहीं निकला है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। इनफैक्ट, अगर एक पेपर नहीं निकला है, जो तुमने पहला फॉर्म भरा नहीं निकला है, तो हो सकता है कुछ बेहतरीन होने वाला है लाइफ में, क्योंकि ऊपर वाले की अपनी प्लानिंग है जिस पे हम बहुत भरोसा करते हैं। यकीन मानो, हम बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत बड़े बिलीवर हैं कि अगर ऊपर वाले ने कुछ भी प्लानिंग तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, तो उसके पीछे वो प्लानिंग कुछ ना कुछ तगड़ी कर रहा है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा आज एक एग्ज़ाम नहीं निकला है, चिल। देखो, तकलीफ होगी, क्योंकि क्या होता है कि हम जिस फेज से निकले, अभी तक क्या होता था कि हमें फेल नहीं किया जाता था। अब इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें जल्दी फेल होने का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम बहुत जल्दी फेल होने की आदत है नहीं हमें। और हमने इंटर किया, बाद में एक ही फॉर्म भरा जिसके लिए हमने दिन रात एक कर दिया, सारी तैयारी कर डाली, और जो हमसे कम पढ़ा लिखा था उसका सिलेक्शन हो गया, तुम हमारा नहीं हुआ, पीडीएफ में हमारा नाम नहीं हुआ, जबकि घर वालों को ये तो एक्सपेक्टेड था कि तुम्हारा नाम तो आएगा ही पीडीएफ में। ये सारी चीज़ें इट्स ओके, क्योंकि एक एग्ज़ाम अगर नहीं निकलता है तो उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। तुम्हारी एज 18 है, 19 है, 20 है, 21 है, कुछ भी हो सकती है। तुमने अपना पहला फॉर्म भरा या कोई भी फॉर्म भरा है, तुम्हारा नहीं निकला, बिल्कुल फाइन है। अब इस कंडीशन में तुम सिर्फ अपने घर वालों से बात किया करो, यकीन मानो, ना दोस्तों का साथ इसमें ज़रूरी है। जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलता है, घर चले जाओ, क्योंकि देखो, अगर तुम सुसाइड कर लिया है या इस तरीके का अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर तो कोई बात है नहीं आगे, फिर तो कोई डिस्कशन का वो रहा ही नहीं, ठीक है? इस कंडीशन में घर वालों को फ़ोन मिलाओ, उनसे बात करो। और ख़ासकर अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा बोझ पड़ता जा रहा है, सबसे ज़्यादा ये आईआईटी वाला जो सेक्टर है वो इससे ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि जो टॉपर्स को वो इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि जिसकी वजह से बाकी के जो बच्चे हैं, जो कम रैंक वाले, वो तो होते ही हैं डिप्रेस, साथ ही साथ जिनका नहीं होता है वो अपने आप को बहुत ह्यूमिलिएट फील करते हैं। दिक्कत बस इस चीज़ की है। लेकिन कोचिंग में क्या है, अगर वो उस AIR1 का ऐड नहीं करेंगे तो कोचिंग का जो रेवेन्यू है वो 200% ग्रोथ पर नहीं आएगा। तो इस वजह जैसे सबसे पहली बात तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को समझना चाहिए कि जिनका हो गया है चलो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। कुछ कोचिंग्स में होती भी है काउंसलिंग, लेकिन वो बहुत ऐसे बस दिखाने के लिए होती है कि देखो, हम जिनका नहीं हुआ उनका भी ध्यान रख रहे हैं, जबकि जिनका नहीं होता है वो उनको दूसरी स्कीम चिपका देते हैं कि चलो अगले साल आ जाना और 10% का ऑफ दे देंगे तुम्हें कोचिंग में। वो सिर्फ अपना बिजनेस बना रहे होते हैं। तो कोचिंग वाले भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रीज़न है जो ये सिलेक्शन जो सुसाइड होते हैं, ठीक है? अगली बात, पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स भी इसके ज़िम्मेदार होते हैं, देखो, ठीक है? अगर उन्होंने अपने बच्चे को या किसी को भी घर के बाहर भेजा है तैयारी के लिए, तो उनकी ये उम्मीद होती है कि पहली बार में ही फोड़ के आएगा, ये करके आएगा, क्योंकि ये स्कूल तक टॉपर रहा है। देखो, स्कूल तक टॉपर रहना एक अलग बात थी, और उसके बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठ के वहाँ पर एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल अपोजिट बात है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी लड़ाई स्कूल में थी कुछ बच्चों में, यहाँ पूरे भारत का लड़का बैठा है, ठीक है? तो इस वजह से ये घर वालों को भी समझना पड़ेगा, बर्डन इस लेवल पे नहीं कर देना है ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं फेलियर के बाद, मतलब एग्ज़ाम ना निकलने के बाद जो फेस कर रहे हैं, वो कहीं भी ना पाए। तो इस वजह से इतना तो कम से कम स्पेस को कम कर दो कि जहाँ से लोग अपनी बात, बच्चे अपनी बात आपसे कर पाएँ। तो ये वीडियो था पेरेंट्स के लिए खासकर, ठीक है? और लौंडों से भी ये कहना है, एक एग्ज़ाम के बाद नहीं ख़त्म होती है। जिनका जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला, उन्होंने बाकी सारी चीज़ें फोड़ते चले गए। बहुत से ऐसे उदाहरण है, किसी दिन हम बता देंगे वीडियो में, 1000-2000 नाम होंगे इसे जिनका एग्जाम नहीं निकला और उन्होंने उसके बाद जो चीजें करी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, ठीक है? राम राम, जय हिंद।